नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास रिपोर्ट का। झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण आज से एक दिन बाद यानी कि 20 नवंबर को 38 सीटों पर होने जा रहा है। ये मुकाबला बेहद सख्त और निर्णायक साबित होगा। पहले चरण में कोल्हान और छोटा नागपुर की सीटों पर मतदान हुआ था, लेकिन अब बारी है संथाल परगना की, जो झारखंड की राजनीति में हुक्म का इक्का माना जाता है। इस बार की लड़ाई न केवल सत्ता के लिए है, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए अस्तित्व का सवाल बन चुकी है। संथाल परगना जो आदिवासी इलाका है, झारखंड में राजनीति का सबसे अहम क्षेत्र माना जाता है। हेमंत सोरेन खुद इस क्षेत्र से आते हैं, उनका चुनावी गढ़ यही है। इस क्षेत्र की 18 सीटों पर राज्य की सत्ता के लिए काफी निर्णायक भूमिका निभाई जाएगी। हेमंत सोरेन के लिए ये चुनावी मुकाबला सिर्फ अपनी सत्ता बचाने का नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा करने का भी होगा। अब बीजेपी ने इस क्षेत्र में आदिवासी अस्मिता को मुख्य मुद्दा भी बना डाला है। बीजेपी ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासी सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनाव में उठाए हैं, ताकि समुदाय का समर्थन हासिल किया जा सके। इसके अलावा बीजेपी की रणनीति है कि वो सीबू सोरेन के गढ़ को कमजोर करें और इस इलाके में अपनी पैठ मजबूत करें। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अगर इस चरण में अपनी सीटें खो बैठते हैं तो सोरेन की सरकार के लिए संकट पैदा हो जाएगा। दूसरे चरण में 17 सीटों पर बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। वहीं 11 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी। इसके अलावा कुछ सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष भी नजर आ रहा है, जहां निर्दलीय और छोटे दल भी मुकाबले को कड़ा बना सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो चुनावी जंग केवल बड़े दलों के बीच नहीं, बल्कि छोटे दलों और निर्दलियों के बीच भी जोरदार होने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए ये चुनाव काफी अहम है। मरांडी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद से अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन इस चरण में उन्हें संथाल परगना और अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर अपना वर्चस्व साबित करना होगा। अगर वो इस चुनावी चुनौती में सफल रहते हैं तो उनकी सियासी ताकत और प्रभाव और बढ़ जाएगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस चरण में अहम भूमिका निभा सकता है। पार्टी प्रमुख जयराम महतो और साथ ही साथ देवेंद्रनाथ महतो खुद डुमरी और बेरमो और सिल्ली सीटों से चुनावी मैदान में हैं, और इन सीटों पर उनकी पार्टी का दबदबा दिखाई दे सकता है। पिछले चुनाव में भी इन सीटों पर जेएलकेएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, और इस बार भी पार्टी अपनी ताकत दिखा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 नवंबर को होने वाला मतदान झारखंड के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेगा। संथाल परगना में हेमंत सोरेन का गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये समय अपनी सियासी ताकत को साबित करने का है। बीजेपी और जेएमएम के बीच की जंग तो अहम है ही, लेकिन निर्दलीय और छोटे दलों के चुनावी दाव भी इस बार निर्णायक हो सकते हैं। यानी कि ये चुनावी संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में नई दिशा तय करने के लिए है। 20 नवंबर को झारखंड के मतदाता ये फैसला करेंगे कि सत्ता की कमान किसके हाथों जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।